नमस्कार, बीटीएस न्यूज के लाखों देखने और सुनने वालों का बीटीएस न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। मैं, मेरी फैमिली और मेरे हमरा हजरत मौलिया हुसैनी मुकर्रम पाशा साहब और उनके मकान में हम लोगों ने डॉक्टर मुरली साहब जो गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पार्वती नगर के हेड है, उनके फोन कॉल पर यहाँ पार्वती नगर हॉस्पिटल पहुंचकर कोविशील्ड जो वैक्सीन है अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे पूरे मकान वालों के साथ में आज जो है ये वैक्सीन का पहला डोज लिए और इंशाल्लाह अगला डोज 28 दिन के बाद में दोबारा हम यहाँ पर आएंगे, अगर वो जो है डोज नेक्स्ट डोज भी ले लेंगे
और आपके चैनलों के जरिए आवाम से बिलखसूस उन हजरात से जो डायबिटिक हार्ट या दीगर अमराज या अबाव 50 ईयर्स जिसकी उम्र है, वैसे हजरात अपने घर वालों के साथ में मर्दों के ख्वातीन ख़ास तौर पे बुजुर्गों को और जो अमराज मैंने कहा जिनको लाहक है वो हजरात यहाँ पर पार्वती नगर हॉस्पिटल हो या ओईसी हॉस्पिटल हो या वारकस का हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट का, कहीं भी जाए लेकिन इस वैक्सीन को जो है ले ले तो बेहतर रहेगा। अल्लाह सुभान तआला से दुआ है कि अल्लाह इस वबा में हर वो इंसान की हर वो इंसानियत की हिफाजत फरमाए। शुक्रिया। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS News। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।